फंस सकते हैं। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। यह अवसर है पुनर्जन्म का, देश के हित में क्षात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है, यह फिर जीने का अवसर है। यह गौरव जो मिट चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है। यह मातृभूमि को नमन कर सके इस लायक बनने का अवसर है। एक नए नव निर्माण का अवसर है। निर्णय आपको लेना है, चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों, हार से हताश होने वालों, इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है, ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए, आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपना, अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। आज हमारे समक्ष जो अवसर है, ऐसा अवसर भाग्यशालियों को ही मिलता है। अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करवाने का अवसर, अपने ऋण से उऋण होने का अवसर, अपने राष्ट्र के नव निर्माण का अवसर, अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का अवसर। तो आइए अपनी मां की लाज बचाएं, मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं। निर्णय आपको लेना है। योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। चिंतित ना हो, 99% यही संभावना है कि महाराज पुरु और कैलिस्थनीज दोनों असफल ही होंगे।
इसीलिए एक और वैकल्पिक योजना है मेरे पास। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्र का, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है, इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो। सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है। फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो, शासन के लिए सभी मनमाने अधिकारों का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विचार से राजा को एक निश्चित समय के लिए शासन मिलना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं। इसलिए एक राजा को अपने लिए, अपने परिवार, अपने वंश की महिमा के लिए या अपने साम्राज्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यदि राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है, प्रजा के जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रजा के लिए क्या उपयोगिता है उसकी? मैंने तुमसे कहा था ना कि चाणक्य बहुत गुणी है। एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक वो प्रजा के हित में है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। तो फिर आपके विचार से एक राजा की सही भूमिका क्या होनी चाहिए? एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए। एक मूल मंत्र है, मूल मंत्र बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और,
परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। और युद्ध में मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। जिस घड़ी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उस समय उनका स्मरण करो जिनके लिए तुम जी रहे हो। नहीं पाता, मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। तो मैं सचमुच आपकी सहायता कर पाऊंगा? एक शिक्षक का महत्व तो समझ नहीं पा रहे, तो इस अभियान में क्या सहायता करोगे मेरी? माना कि एक साहसी योद्धा एक युद्ध जीत कर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। तुमसे बिना कोई मूल्य लिए एक सीख देता हूं, जिसकी मुझे लगता है आवश्यकता भी है तुम्हें। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। और सुखद